अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा वकास और आप देख रही हैं इनसाइड ब्लॉग्स। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रिजर्व सीट के लिए नामजद मोहतरमा अनुशा रहमान की। मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ, मैं ही दुनिया ए मोहब्बत कहाँ सी महवर हूँ, मेरे औसाफ गिनाने कोई कागज कम है। आइए उनका तफसीली तारुफ पेश करते हैं। इनका ताल्लुक सियासी खानदान से है, वो एक मारूफ कारपोरेट वकील हैं। 1990 की दहाई से टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही हैं। वो लॉ ग्रेजुएट हैं और यूसी लंदन से लॉ एंड इकोनॉमिक्स ऑफ रेगुलेटेड इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन किया है। वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मेंबर भी हैं। मोहतरमा अनुशा रहमान ने अपने सियासी कैरियर का आगाज 2006 या 2007 में किया, जब उन्हें मुस्लिम लीग नवाज के लायर्स विंग की सीनियर नायब सदर बना दिया गया। उन्होंने पाकिस्तान में 2007 की इमरजेंसी के बाद अदलिया की बहाली के लिए वकला तहरीक में फाल करदार अदा किया। वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ की रुकन रही। उसके अलावा वो मुस्लिम लीग नवाज के स्टेयरिंग कमेटी की अहम रुकन थी, जिसे कानूनी मामला से निपटने का काम सौंपा गया था। वो 2013 के जनरल इलेक्शन में खवातीन की रिजर्व सीट के लिए दोबारा एमएनए मुंतखब हुई और इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन का वजीर मुमलिकत मुकर्रर किया गया। वो शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की वजीर मुमलिकत रही। अप्रैल 2018 में उनकी वजीर के तौर पर तरक्की दी गई। अपने दौर में उन्होंने मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाई और कानून साजी के इकदाम किए। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर पॉलिसी 2015 की तश्कील की क्यादत की, जिससे उन्हें गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया। उनकी पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान को आलमी सतह पर आईटी मसनूआत में फ्रीलांसिंग के लिहाज से सरे फहरिस्त 5 ममालिक में शामिल हो। आईटी और आईटीईएस की बरामदात में 380% से ज्यादा इजाफा हुआ। मोबाइल ब्रॉडबैंड पाकिस्तान को मोहतरमा अनुशा रहमान की क्यादत में फॉर मोबाइल ब्रॉडबैंड अवार्ड 2015 से नवाजा गया। 2014 में 3G 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी के अहसन इकदाम किए गए, जिसके नतीजे में 3G 4G सर्विसेज का तेजी से इस्तेमाल बढ़ा। उन्होंने नौजवान खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए प्रोग्राम मुतारफ करवाया, ताकि वो ICT की वैल्यू चेन में अपना हिस्सा डाल सकें और उससे फायदा उठा सकें। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर माशरे के पसपांदा तबकों से ताल्लुक रखने वाली दसियों हजार लड़कियों और खवातीन को तरबियत दी गई। इस प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ने भी मुआवनत की। मोहतरमा अनुशा रहमान ने फरवरी 2018 में पाकिस्तान में 10 लाख फ्रीलांसर्स को तैयार करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया। बाद 15 फरवरी 2019 को कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल स्किल ऑर्गेनाइजेशन ने मोहतरमा अनुशा रहमान खान को सेक्रेटरी जनरल की अलाकाई मशीर मुकर्रर किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात देखने के लिए देखते रहिए इनसाइड ब्लॉग्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।